नमस्कार दोस्तों, गोबर गैस प्लांट या यूं कहिए बायोगैस प्लांट बड़े काम की चीज है, बेहद कम खर्च में बहुत ज्यादा फायदे देता है। हमने आपको अब तक बहुत से गोबर गैस प्लांट दिखाए हैं जो चालू हालत में होते हैं, लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं ऐसा बायोगैस प्लांट जो अभी भी बना है। उसके अलग अलग स्ट्रक्चर अंदर से और बाहर से दिखाएंगे और ये भी बताएंगे खर्चा कितना आता है, ताकि आपको समझ आए कि बायोगैस प्लांट बनवाना कितना आसान है और कितने कम खर्च में आप बहुत ज्यादा फायदा कैसे ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों देखिए, ये बायोगैस प्लांट अभी अभी बना है, ये डोम है इसका, इसमें गोबर आता है इनलेट से। उधर देखिए पीछे वो इनलेट है, गोबर वहां डलेगा और वो पाइप लगी हुई है बड़ी वाली, उस पाइप से इस डोम के नीचे कनेक्शन दिया हुआ है। गोबर वहां से डलेगा, पानी डाल करके नीचे चला जाएगा और धीरे धीरे जब ये भर जाएगा और इसमें फर्मेंटेशन के बाद गैस बनेगी, वो गैस ऊपर इकट्ठी होगी इस डोम के अंदर। वो आप देखिए पाइप लगा दिया है ऊपर, उसमें पाइप कनेक्ट हो जाएगा और वो ऊपर जहाँ पर उसको यूज़ करना है वहाँ चली जाएगी। ये मेरे पीछे देखिए गोबर का स्लरी का आउटलेट है, यहाँ इस डोम से फर्मेंट होने के बाद स्लरी यहाँ से निकलेगी। ये आप देखिए यहाँ से स्लरी निकल करके और वहाँ पर आउटलेट इसका दिया हुआ है, यानी कि स्लरी भर जाएगा ये तो बाहर निकल जाएगी। गैस का जब प्रेशर पड़ता है तो स्लरी बाहर आती है। अब इसमें शुरुआत में बहुत सारा गोबर डालना पड़ता है ताकि ये भर जाए और फिर धीरे धीरे जितना ज़रूरी होता है वो गोबर डालते जाते हैं। 2 से 3 पशु के लिए 2 क्यूबिक मीटर का, 4-5 पशु हैं तो 4 क्यूबिक मीटर का, 8-10 पशु हैं तो 8 या 10 क्यूबिक मीटर का बायोगैस प्लांट सफिशियंट रहता है। और इसमें इतनी गैस बन जाती है कि आपके बड़े परिवार का भी काम चल जाए और जो चाट वगैरह उबालना होता है वो भी उससे काम चल जाता है। तो दोस्तों ये तो था इसका स्ट्रक्चर, अब हम आपको मिलवाते हैं उस व्यक्ति से जिन्होंने ये बनवाया है, उन्हीं से जानेंगे कि खर्च कितना आया है इसमें और उन्होंने ये बायोगैस प्लांट क्यों बनवाया है। दोस्तों आप हैं अनूप सिंह जी, ये राष्ट्रीय सेवा भारती संस्थान में सेवाएं दे रहे हैं, इन्होंने ही ये बायोगैस प्लांट बनवाया है, तो चलिए इनसे पूछते हैं कि क्यों बनवाया है। नमस्कार अनूप जी। नमस्कार जी कुलदीप जी। आपने ये बायोगैस प्लांट बनवाने का आइडिया क्या आया और क्या उद्देश्य है इसका? एक बायोगैस बनवाने का हमारे मन में विचार यूँ आया कि हम अपने पास यहाँ पर 16 भारतीय नस्ल के गोवंश हैं और उन 16 गोवंशों से उनके गोबर का हमने क्यों ना उपयोग करना चाहिए। एक तो खेती के लिए जो इसके द्वारा गोबर हम डालेंगे जो बाद में निकलेगी सैलरी, तो वो एक अच्छा खाद उत्पादित होता है और वो खेती में जो केचवा खाद और हम जो जैविक खाद लेकर आते हैं उससे ज़्यादा उपयोगी वो रहता है। दूसरा, इसके द्वारा जो गैस निकलेगी उस गैस का हम यहाँ पे अपने रसोई के रूप में भी उपयोग कर लेते हैं। और तीसरा, इसी जो गैस से ही हम जो अपने गोवंश हैं उनके लिए जो दाना पकाना है बनाना है वो भी उसका बनाने का काम करते हैं, इसलिए हमने ये बायोगैस बनवाया। ये बायोगैस लगभग 9 क्यूबिक का हमारे पास, 9 क्यूबिक मीटर का है। तो इसमें आपका खर्च कितना आया? इसमें हमारा लगभग 25,000 रुपये खर्च आ गया। लगभग 25,000 रुपये खर्च। अगर अलग अलग बात करें तो थोड़ा सा बताएं कितनी लेबर लगी, कितनी ईंटें लगी, कितना रेता लगे? हमारे लगभग 14,500 रुपये लेबर लगी थी वैसे, और हमारी इसमें 1500 ईंटें लगी हैं और 6 कट्टे सीमेंट के लगे हैं, 150 फुट रेती और क्रेशर, यानी कि टोटल मिला के 25,000 का आपका। हाँ, लगभग 25,000 रुपये सब्सिडी इसमें, 12,000 12,000 रुपये में हरियाणा सरकार सब्सिडी देती है, कृषि विभाग, यानी कि 12-13,000 रुपये में आपका लगभग 50% होगी सब्सिडी। तो खर्च 12-13,000 ही हुआ और उसमें आपका ये बायोगैस प्लांट बन के तैयार हो गया है। आपको लगता है सफलतापूर्वक काम करेगा? हमने बहुत से मॉडल देखे हैं वैसे जो बहुत अच्छे और सफल हुए हैं। इससे आप एक यही ना लीजिए, एक तो अपना इसके 3 तरह की बचत है, एक तो हमारा इससे खाद बहुत बढ़िया सा तैयार होता है, दूसरा इससे हमारी जो गैस है हमारे रसोई का भी खर्च, हमारा ऐसा अनुमान है महीने का 2,000 रुपये जो रसोई खर्च वो इसी से बच जाएगा गैस के रूप में, यानी कि 1 सिलेंडर 2-3 सिलेंडर की बचत हो जाएगी, आराम से हो जाएगी और खाद जो है वो बढ़िया एनरिच खाद निकलेगा। और उसमें जो इसकी कीमत जो हमने 12,000 रुपये लगाए हैं वो 3 महीने में ही पूरी हो जाएगी। जैसा आपने बताया कि बाहर हम जो इस खाद को तैयार करेंगे तो सूख जाता है, इसी खाद को हम अपने जैसे पहले के टाइम पे देखेंगे पूर्वजों के टाइम पे, तो इसी खाद को तैयार करने 3 साल बाद कुल्डी का खाद तैयार होता है भाई, वो 3 साल बाद खेत में लगता है, तो वो जो 3 साल में जो तैयार होना है वही काम ये 40 दिन में कर देता है उसी खाद को तैयार कर, यानी कि उससे कम समय में तैयार करने की विधि भी है और इससे हमने गैस उपयोग की वो एक अलग। ये बिल्कुल ठीक कहा अनूप जी ने कि खाद को डीकम्पोज करने का कम समय में ये सबसे अच्छा साधन है। हमने IRI पूसा में डॉक्टर JPS डबास से जब पूछा कि ये स्लरी जो है खाद जो है क्या डिकम्पोज होती है, तो उन्होंने कब बताया कि ऐसे 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक तो एनारोबिक कंडीशन में और एक एरोबिक कंडीशन में डिकम्पोज करते हैं खाद को। तो इसमें जो है एनारोबिक यानी कि जहाँ हवा नहीं होती उस तरह के बैक्टीरिया होते हैं वो जो डिकम्पोज करते थे, यानी कि 40 से 45 दिन में बहुत अच्छी डिकम्पोज होकर खाद निकलती है, और जब वो बाहर एरोबिक कंडीशन में आती है तो कुछ दिन बाद वो और ज़्यादा अच्छी खाद बन जाती है, जब उसको आप डालते हैं खेतों में तो वास्तव में रिजल्ट ऐसे आते हैं जो कई किसानों से हमारी बात हुई कि जिसने भी गोबर की स्लरी डाली
वो बहुत बढ़िया फसल उनकी हुई है। तो कम खर्च में गैस भी मिलेगी और गोबर यदि आपके पास ऑलरेडी है तो बायोगैस प्लांट या गोबर गैस प्लांट ज़रूर बनवाएं। हमने आपको खर्चा भी बताया। हर स्टेट के हर ज़िले में मिस्त्री हैं, रीन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट की विंग के तहत ये सब्सिडी मिलती है। हरियाणा में हरेडा देता है, हरियाणा रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप जा करके उनसे संपर्क करें तो सब्सिडी मिलेगी। हर स्टेट में ऐसे विंग है, तो आप गोबर गैस प्लांट ज़रूर बनवाइए, जितने पशु हैं उसके हिसाब से इसकी आप डिज़ाइन तय करवाइए, इस मुहिम को आगे बढ़ाइए ताकि किसानों को अच्छी खाद मिले, बढ़िया उत्पादन हो और प्रकृति में प्रदूषण भी ना फैले। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।